अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद अतीक रहमान और आप देख रहे हैं नंफा न्यूज़। दोस्तों आज हम आए हैं तोकस मोटर पर, जो इसके एड्रेस की बात करें तो ये जीटी रोड पर सर्वर फैक्ट्री शू फैक्ट्री के बिल्कुल सामने मौजूद है। गुजरात में हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है, बारिश से मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए आए वो है चेंगान अल सफीन। आपको इसकी गाड़ी की हिस्ट्री थोड़ी सी बता दी है। चेंगान अल सफीन बात करें गाड़ी की तो इसमें तीन मॉडल आते हैं, एक 1.3 मैनुअल कंफर्ट, उसके बाद 1.5 कंफर्ट, फिर 1.5 लुमियर आता है टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। लेकिन जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने लगे हैं ये इसका सेकंड टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, चेंगान अल सफीन 1.5 कंफर्ट। आज मैं आपको इसके डिटेल रिव्यू दूंगा, इसके स्पेशल फीचर के मतलब बताऊंगा, और क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल है तो लास्ट में मैं आपको इसकी कंडीशन और डिमांड भी बताऊंगा कि क्या इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखें, मैं इसमें आपको कंडीशन वगैरह सब दिखाऊंगा। अगर आप इसकी प्राइस जल्दी जानना चाहते हैं तो तवक्कस मोटर का नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप उस नंबर पर रब्ता करके इस गाड़ी की दीगर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या प्राइस के बारे में बार्गेनिंग कर सकते हैं, या शोरूम पर विजिट करके इस गाड़ी को आकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। यह दोस्तों चेंगान अल सफीन 1.5 कंफर्ट। सबसे पहले इस गाड़ी के डायमेंशन की बात करते हैं, गाड़ी की लंबाई की बात करें तो गाड़ी की लंबाई 14 फुट 11 इंच है, और इसकी अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई में इस गाड़ी की चौड़ाई 5 फुट 7 इंच है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इस गाड़ी की 4 फुट 10 इंच है, और इसके व्हील बेस की बात करें तो इसका व्हील बेस 8 फुट 3 इंच है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जमीन से ऊंचाई 5.9 इंच है। व्हील की तरफ से आए तो सिल्वर कलर में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जिनमें चेंगान का मोनो देखने को मिलता है, और ये 15 इंच के अलॉय व्हील्स हैं जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ आते हैं। इसकी फ्रंट शेप की बात करें तो फ्रंट शेप आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत है। इसमें आपको बॉयज और HDR हेडलाइट देखने को मिलते हैं, टर्न सिग्नल देखने को मिलता है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इसमें काफी खूबसूरत क्रोम का काम किया गया हेडलाइट में। जबकि इसकी यहाँ आए तो यहाँ आप देख सकते हैं ये क्रोम लाइनिंग इस तरह चलती है, और इसके दरम्यान में ग्रिल में भी आप क्रोम देख सकते हैं, क्रोम और ब्लैक प्यारे ब्लैक काम है। यहाँ चेंगान का मोनो देखने को मिल जाता है, नीचे भी आपको यहाँ क्रोम फिनिश की एक लाइनिंग दिख रही होगी जो कि इसकी दूसरी हेडलाइट में यहाँ देख सकते हैं। यहाँ भी आपको टर्न सिग्नल बैजर और HDR हैंडल, और नीचे आपको LED फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं जिसको DLS भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी फ्रंट शेप को मैं वन लाइन जस्टिफाई करना चाहूँ तो काफी खूबसूरत है इसकी शेप है, जो कि इसकी ग्रिल का डिजाइन है जो कि इस तरह आ रहा है। मुझे इसका ग्रिल का डिजाइन काफी मिलता जुलता दिख रहा है, कह सकते हैं ये कॉपी किया है, कॉपी भी हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक ये काफी मिलता है लेक्सस की गाड़ी में, क्योंकि लेक्सस की गाड़ी में ये शेप, ये जो फ्रंट की शेप होती है ये ग्रिल की कुछ इस तरह की ही होती है। फ्रंट बोनट के ऊपर यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी क्रैक्ट लाइन, यहाँ भी क्रैक्ट लाइन है। अभी क्योंकि मैं कह रहा हूँ बूंदाबांदी लगी हुई है तो यहाँ ऊपर पानी आपको दिख रहा होगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ टर्न सिग्नल देखने को मिल जाता है साइड मिरर के ऊपर, साइड मिरर और हैंडल इसके बॉडी कलर है। करेक्टर लाइन की बात करें साइड पर तो काफी वाजह है, यहाँ करेक्टर लाइन दिख रही होगी, एक यहाँ से यहाँ तक जा रही है और एक यहाँ जा रही है जो बैक लाइट पे चल रही है। फ्यूल टैंक आपको यहाँ ही देखने को मिल जाता है इसका, और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 40 लीटर है, क्योंकि ये एक 20 सेगमेंट सब कम्पैक्ट सेडान कार है, मतलब फुली सेडान कार नहीं है, ये सब कम्पैक्ट सेडान कार है। फुली सेडान कार होंडा सिविक जैसी गाड़ी होती है। अब आपको इसका इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं, तो पहले इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं, और मजेदार की बात फ्यूल टैंक इसका ड्राइवर साइड की तरफ है, तो ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं, इसका ये डोर आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ आपको प्लास्टिक काम देखने को मिलता है, प्लास्टिक का काम है, यहाँ आपको फैब्रिक तो नहीं है, ये आर्टिफिशियल लेदर तो कह सकते हैं। और पावर विंडो है, विंडो लॉक सेंटर लॉक ही, और यहाँ लॉक और लॉक और डोर के लैच ये देखेंगे सिल्वर कलर में, स्पीकर देखने वाटर होल्डर वगैरह, और ये है इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। इसमें आपको सीट्स देख सकते हैं, फैब्रिक सीट्स हैं जो मैनुअल एडजस्टेबल के साथ है, हाइट एडजस्टेबल ये सीट्स नहीं है। एक दफा आप इसका इंटीरियर देखें, अब आपको इस गाड़ी के अंदर चलते हैं।
तो इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहली बात यार बहुत खूबसूरत इस गाड़ी का इंटीरियर है। इसमें आपको यहाँ स्टीयरिंग जो कि फोर स्पोक इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है और इसमें पियानो ब्लैक का जो काम किया गया है ये देख सकते हैं, ये काफी खूबसूरत है। इसमें मोड सेलेक्टर, आवाज कम ऊपर करने कम या ज्यादा करने के लिए और यहाँ जीवर चीजें देखने के लिए आपको देखने को मिल जाती है। टेन सिग्नल वाशर के आपको राइट साइड पर चले तो यहाँ एसी वेंट है जो कि यहाँ पियानो ब्लैक सिल्वर का काम है और ये काफी खूबसूरत है। जहाज के जो वेंट इंजन होते हैं उस जैसे इन्होंने इसको डिजाइन दिया जो कि काफी अच्छा है। यहाँ इसमें हेडलाइट कंट्रोलर देखने को, आप इसकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से इसकी बूट स्पेस ओपन होती है, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं, यहाँ से मैनुअली बूट ओपन हो जाती है। पावर मिरर देखने को मिलते हैं, यहाँ से फ्यूल टैंक और यहाँ से फ्रंट बोनट इसका ओपन होता है। और सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर कंसोल भी काफी खूबसूरत है दोस्तों। इस गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी का सेंटर कंसोल है। ऊपर आपको ये 7 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। एसी वेंट को जैसे कि काफी खूबसूरत से इन्होंने कवर किया है। यहाँ सिल्वर की लाइनिंग आ रही है जो कि काफी खूबसूरत दे रही है। वॉल्यूम के बटन को इन्होंने वाजा करने के लिए यहाँ ब्लू लाइनिंग दी हुई है जो कि इसके डैशबोर्ड में अच्छी लग रही है। यहाँ ट्रिगर कंट्रोल है, एसी के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पार्किंग लाइट भी इसकी यहाँ देख सकते हैं। इसको पार्किंग लाइट को कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ छुपाया है इन्होंने पार्किंग लाइट को। यहाँ SRS एयरबैग है, यहाँ भी आपको SRS एयरबैग देखने मिलता है, दो एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। वहाँ भी इसी वेंट आप देख सकते हैं उसी तरह का। यहाँ पावर विंडो, डोर ग्लास वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको इसका ग्लव बॉक्स, यहाँ छोटे स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। और बाद में इसके यहाँ सवाल बात करें मिरर की, बैक पैनल के मिरर, तो यहाँ देख सकते हैं इसमें फीचर मिलता है जैसे बैक पैनल लाइट डायरेक्ट आपकी आंखों में नहीं पड़ती, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ जैसे कोई मिरर नहीं पैसेंजर के लिए, जबकि ड्राइवर के लिए भी कोई मिरर नहीं दिया गया। लाइट्स देखने को मिलती है जो कि इसके जो टॉप में लाइन मॉडल उसमें आपको यहाँ सनरूफ भी देखने को मिलता है। और यह है इस गाड़ी का मीटर, मीटर आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत इस गाड़ी का मीटर है। स्पीडोमीटर आपको यहाँ देखने को मिलता है, आरपीएम मीटर, फ्यूल की गेज आपको साइड में देखने को मिल जाती है। जो इसकी की है सिंपल की है इसकी, लॉक और लॉक बूट ओपन करने के लिए बटन देखने को मिलता है और यहाँ इस तरह इसकी की ओपन हो जाती है। यहाँ हम इसको लगाते हैं और आपको इसकी मीटर दिखाते हैं। मीटर आप देख सकते हैं, आप जैसे जैसे मीटर में आप काफी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आप इसके मोड वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्किंग में गाड़ी और फ्यूल गेज वगैरह यहाँ देखने मिल जाते हैं। हार्ट एंड कूल की गेज भी देखने मिल जाती है जो कि डिजिटल है। मीटर बंद करते हैं और यह है इसकी गियर शिफ्टर। गियर शिफ्टर आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत इसमें गियर शिफ्टर देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इसको एक दफा दिखा सकूं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या DCT ट्रांसमिशन देखने को मिलती है इसमें। अभी ये पार्किंग में सेट है तो इस तरह मैं अगर इसको पीछे करूं तो ये डी में चला गया, डी में आ गया और हम इसको मैनुअली भी मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं पहला गियर लग गया। अब मैं इसको दोबारा डी पर सेट कर लूँ, ये मैंने सेट कर दिया मैनुअल पर और मैंने जैसे ही ये आगे किया तो ये फर्स्ट गियर इंगेज हो गया। तो आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं जैसा कि आपने देखा। अब बैक सीट की तरफ चलते हैं, लेकिन एक दफा मैं अपनी ये सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूं। फ्रंट सीट जैसे मैं आपको बैक की स्पेस बता सकूंगा। बैक पर चलते हैं, यहाँ से फ्यूल टैंक डलता जल मिल जाता है, 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। यहाँ हम ये देख सकते हैं सिंपल डोर है, फ्लैट बेड सीट है, दो हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं जो कि फिक्स है। अब इसमें बैठते हैं तो ये सीट मुकम्मल तौर पर बैक पर है, लेग स्पेस ठीक है, हेड स्पेस कोई इशू नहीं है और बैक से कुछ इस तरह का दिखता है इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत इस गाड़ी का डैशबोर्ड है। यहाँ आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, आर्मरेस्ट में अच्छी खासी जगह देखने को मिल जाती है। चार्जिंग पोर्ट वगैरह वहाँ आपको देखने को मिलती है, काफी ठीक है, कम्फर्टेबल गाड़ी है। बैक पर भी आपको स्पीकर वगैरह देखने को मिलते हैं। अब बैक पर चलते हैं, बैक लुक की बात करें इस गाड़ी की तो बैक लुक ठीक है, मुझे बैक लुक की निस्बत इसकी फ्रंट लुक ज्यादा खूबसूरत लगती है। बैक लुक की बात करें तो यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ ब्रेक लाइट है और दो दो आपको इसमें बल्ब देखने को मिलते हैं। यहाँ टर्न सिग्नल और ये रिवर्स लाइट है, चंगान की बैजिंग देखने को मिलती है, अलसफिन की बैजिंग है और चंगान का वन हो और यहाँ अलसफिन की बैजिंग देखने को मिलती है। बैक पर आपको यहाँ कैमरा भी देखने को मिलता है इस गाड़ी में।
बैक पर पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप और ऊपर आपको हाई एंटीना देखने को मिल जाता है कार में। और यहाँ इसमें इसको ब्लैक करवाया है डिफ्यूजर को, तो देख सकते हैं पार्किंग सेंसर बैक पर देखने को मिलते हैं। अगर दो दफा आप क्लिक करें चाबी के बूट स्पेस का तो बूट स्पेस इसकी ओपन हो जाती है। ये इसकी बूट है, देखा जाए तो अच्छी खासी आपको यहाँ बूट स्पेस देखने को मिलती है गाड़ी में। और यहाँ इसमें नीचे स्पेयर व्हील, हाँ स्पेयर व्हील आपको स्टील व्हील में देखने को मिलता है गाड़ी का, बहुत बंद नहीं हुई गाड़ी बंद होगी, जिसके मैंने आपको इसकी स्पेशल फीचर के मुताबिक बताया अभी। तो अब मैं आपको इसकी कंडीशन के मुताबिक बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी बाहर कंडीशन बताता हूँ, बाद में फिर मैं आपको इंजन दिखाऊंगा इसका और इसके बाद में आपको इस गाड़ी की प्राइस बताऊंगा। तो बात करें इसकी फ्रंट फ्रंट पर, यहाँ बोनट के ऊपर कोई स्क्रैच कोई डेंट, यहाँ साइड फ्रंट बम्पर के ऊपर भी कोई स्क्रैच कोई डेंट नहीं है, जबकि यहाँ जैसा देख सकते यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इसमें यहाँ कुछ डिफॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ कोई डेंट कोई स्क्रैच नहीं, यहाँ भी कोई डेंट वगैरह स्क्रैच नहीं है। हाँ यहाँ आप यहाँ हल्का सा देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको ये स्क्रैच है, इसके अलावा यहाँ भी आपको कोई डेंट कोई स्क्रैच वगैरह नहीं दिख रहा। बैक की बात करें तो बैक के ऊपर यहाँ स्क्रैच वगैरह या डेंट नहीं है, कहीं से पेंट भी नहीं उतरा हुआ। ये टेप लगी हुई है और यहाँ से ये नीचे से देख रहे हैं यहाँ बम्पर पर स्क्रैच और डेंट है। इस तरफ देखें तो इस तरफ भी आपको यहाँ नीचे को मिलता है, और इसके अलावा यहाँ कहीं भी नहीं, गाड़ी बिल्कुल नहीं है, 2021 मॉडल है। अब मैं आपको इसका फ्रंट बोनट ओपन करके दिखाता हूँ, इसका इंजन के मुताबिक बताता हूँ और फिर मैं आपको इसकी गाड़ी की डिमांड। तो यह है इस गाड़ी का इंजन, इसमें आपको 1500 सीसी इस मॉडल में, इस 1300 सीसी भी इंजन आता लेकिन जैसा हम जिसका रिव्यू करेंगे 1500 इंजन के साथ आते हैं। इसमें आपको 1500 सीसी इन लाइन फोर सिलेंडर डीएससी 16 वाल्व MPFI इंजन देखने को मिलता है। बात करें गाड़ी की पावर की तो 105 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी 6000 RPM पर, और 145 Nm टॉर्क पैदा करती है 4200 RPM पर। गाड़ी आप देख इंजन देख सकते हैं, सीरीज वगैरह मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, गाड़ी एक्सीडेंटल वगैरह नहीं है, गाड़ी मुकम्मल तौर पर ठीक है। स्क्रैच या डेंट जहाँ थे मैं आपको दिखा चुका हूँ गाड़ी में, यहाँ फैब्रिक लगा हुआ है जो इंजन में इसको कम करता है। अब इसका बोनट बंद करते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू एक चाइनीज मैन्युफैक्चर गाड़ी के मुतालिक, जो कि 20 सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट सेडान कार है। बात करें इस गाड़ी की प्राइस की बता दूं तो पहले मैं चीजें बता दूं उसकी कुछ। ये चंगान अल्सफिन है, ऑटोमेटिक मतलब DCT ट्रांसमिशन के साथ आती है, और ये 1.5 इंजन वाली है, मतलब सेकंड टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है चंगान अल्सफिन का। इसका 2021 मॉडल है, जो इसकी डिमांड की जा रही है वो है 34,50,000 रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। लेकिन ये जो प्राइस मैं आपको बताता हूँ ये कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, आप बार्गेनिंग करके इस प्राइस को कम कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है आप कितनी अच्छी बार्गेनिंग करते हैं। अगर कोई दोस्त ये गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड है, ये गाड़ी देखना चाहता है तो तवक्कल मोटर पर ये गाड़ी अवेलेबल है। अगर इसकी एड्रेस मैं फिर एक दफा आपको रिपीट कर दूँ, GT रोड पर सर्वर शूज फैक्ट्री के बिल्कुल सामने मौजूद है ये तवक्कल मोटर गुजरात में। अगर आप अगर इनसे बार्गेनिंग करना चाहते हो तो इनका फोन नंबर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, आप उस नंबर पर रब्ता करके इस गाड़ी की डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, शोरूम पर आकर विजिट कर सकते हैं या बार्गेनिंग करके इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। अगर आप हमारी ये वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।